हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ नीतू और टेस्टी ट्रिट्स विद नीतू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। इस रेसिपी को दोस्तों, एक बार आपने बना लिया तो आप बार बार इसे बनाना पसंद करोगे। गेहूं के आटे की खस्ता मठरी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन को चढ़ा दिया है और पैन में डालना है 2 बड़ा चम्मच ऑयल। इससे आप थोड़ा कम ऑयल डालोगे तो भी चलेगा। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच ही अजवाइन और थोड़े से डालेंगे तिल। मठरी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने डाला है इसमें 2 से 3 हरी मिर्च को कूट कर। इसे भी हमें ऑयल में अच्छी तरह से पका लेना है। ऑयल में मिर्ची को अच्छे से फ्राई कर लेने से क्या होगा दोस्तों कि हमारी मठरी लंबे टाइम तक खराब नहीं होगी। मिर्ची अच्छे से फ्राई हो गई है तो अब हम डालेंगे इसमें 1/4 कटोरी पानी। जिस कटोरी से आप आटा ले रहे हैं उसी से 1/4 कटोरी हमें इसमें पानी को डाल देना है और फिर डाल देंगे 7 से 8 कूटी हुई काली मिर्च। इसमें काली मिर्च का पाउडर नहीं डालें और साथ में ही डाल देना है स्वादानुसार नमक। यदि आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना चाहते हैं तो उसे भी डाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं बोल रही हूँ कि मठरे बना रही हूँ और फिर ये इस तरह से बघार लगा के फिर उसमें पानी डाल दिया, ये कौन सा तरीका है मठरे बनाने का? पर दोस्तों, एक बार आप भी इस तरह से मठरे जरूर बनाकर देखना। बहुत ही कम ऑयल में भी आपकी एकदम खस्ता मठरे बनकर तैयार होगी। पानी में एक उबाल आते ही हमें डाल देना है 1 कटोरी आटा और साथ में ही मैं डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच सूजी। इस टाइम पर हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और अच्छे से इसे धीरे धीरे चलाना है। 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर ही हमें आटे को अच्छी तरह से चला लेना है जिससे हमारा आटा अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। आटे को इस तरह से पका लेने से दोस्तों, जब हम मठरी को तलेंगे ना तब यह बहुत ही कम ऑयल सोखेंगी और एकदम खस्ता बनकर तैयार होगी। और ये देखिए दोस्तों, आटा अच्छे से पक गया है तो इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी डाल देंगे कसूरी मेथी। इससे हमारी मठरी में ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसे कवर करके 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे आटा और भी अच्छी तरह से पक जाएगा। आटे को रेस्ट करते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और फिर इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। अब मैं ले रही हूँ 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू और इसे ग्रेटर से हमें ग्रेट करके ले लेना है। ये इस तरह से अदरक पीसने वाली छलनी से हमें इसे ग्रेट कर लेना है जिससे इनके अंदर लम्स नहीं रहेंगे। दोनों ही आलूओं को ग्रेट करने के बाद हम हाथ से इन्हें अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स करेंगे। हमें इसका डो लगाने में बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं है। आलू के अंदर जो मॉइस्चर होता है ना उसी से इसका डो अच्छी तरह से लग जाएगा। जिस तरह से हम मठरी का एकदम टाइट डो लगाकर तैयार करते हैं सेम वैसे ही इसका भी हमें डो लगा लेना है। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेकर आटे को हमें चिकना कर लेना है जिससे यह हाथ पर चिपकेगा नहीं। और ये लीजिए दोस्तों, हमारा डो लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे और एक पार्ट को लेंगे और उसे हाथ में थोड़ा और अच्छे से चिकना कर लेना है और फिर हम इसकी रोटी बेलकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और फिर बेलन से इसकी रोटी बनानी है। ये पहले हाथ से इसे हल्का हल्का फैला लीजिए और फिर बेलन की सहायता से इसे बेल लेना है। मोटी पतली जैसी भी आप रोटी बेलना चाहते हैं उस हिसाब से इसे बेल लीजिए। अब इसके सभी साइडों के अनइवन पार्ट को हमें हटा लेना है जिससे हमारी मठरी एक जैसे शेप में कट कर तैयार हो जाएगी। और फिर आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में मठरी को काट कर तैयार कर लीजिए। और ये देखिए दोस्तों, हमारी मठरी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है और ये आपस में चिपक भी नहीं रही है। तो इस तरह से हम सारी मठरी बनाकर तैयार कर लेते हैं।
मठरी को फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हमें मठरी को तलना है। एकदम मठरी को डालते ही हमें नहीं चलाना है, 2-5 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से सारी मठरी ऊपर आ जाएगी और फिर हम इसे उलट पुलट करके दोनों ही तरफ से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। इस तरह से गेहूं के आटे और आलू से मठरी बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आज की मेरी रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताना। और दोस्तों, आपने भी कभी इस तरह से मठरी बनाई है क्या, वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।